हेलो गाइस, विद ऑल पॉजिटिव एनर्जी आ रहा हूँ। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल चिश्ती मस्ती। तो गाइस, हम लोग आज जा रहे हैं फुकट की डिनर डेट पे। यस, सही सुने आपने, फुकट की डिनर डेट पे। एक्चुअली मेरे ऑफिस वालों ने मुझे थोड़ा सा ये कूपन दिया हुआ है, मतलब हर एक को दिया जाता है साल में एक बार। तो अभी एज अ फैमिली हम दोनों ही जा रहे हैं, हम दोनों मतलब मैं और ये जो पीछे खड़ी है मेरी वाइफ साइली। सो एक्चुअली मैं तो पूरा तैयार होके कब से 1 घंटे से बैठा हूँ, लेकिन इसका ही मेकअप चल रहा है। तो अभी नींद आ गई है मुझे 1 घंटे से मैं इधर। ये देखो इसका मेकअप, हट रहे बाजू में, चल 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 बाजू हट। हाय गाइस, हाँ जा अभी फिर से चालू हो जाते जल्दी से। हाय भी मत कर तू, जल्दी जल्दी कर ले। एक तो अभी मेरा मूड भी ख़राब हो चुका है पूरा, इतना टाइम कौन लगाता है यार मेकअप करने के लिए। हाँ ये दिखा, और दिखा, और क्या है, और कुछ बाकी है लगाने का? देख ये मेकअप चैनल नहीं है, ये व्लॉगिंग करना है मुझे, मतलब क्या बोलूँ मैं तेरे। सो शी इज़ गेटिंग रेडी एंड यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, ये। और मैं भी थोड़ी शाइनिंग मार लेता हूँ अभी, थोड़ा स्प्रे मार के। ये देखो ये। सो गाइस, फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं। हम लोग इधर इधर आप बस हो गया अभी मेकअप तेरा। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं कारवन मेनू के लिए, जहाँ पे हमारी फुकट की डिनर डेट है। तो लेट्स सी यू सून एट कारवन मेनू। तो हमें ऑटो मिल गई है और हम लोग अभी ऑटो से जा रहे हैं। वॉइस ओवर ही देना पड़ेगा क्योंकि ऑटो का इको बहुत आ रहा है आवाज़, और गाड़ियों का भी आवाज़ है बहुत ज़्यादा, तो इसको वॉइस ओवर ही देने का मैंने सोचा। और अभी ये मेरे को एक ही बात पसंद आई ऑटो में, ये देखो ये स्लोगन्स, वन प्रॉमिस, 3 रूल्स, माई फैमिली, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मास्क पहनो, हाथ धो लो, डिस्टेंस मेंटेन करो। तो बहुत ही अच्छा स्लोगन रखा हुआ है उसके अंदर। तो आई जस्ट लाइक द स्पिरिट ऑफ ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स एंड दे आर सर्विंग इन कोविड टाइम्स, सो दिस इज़ रियली ग्रेट टू सी हाउ इंडियन यू नो आर डीलिंग विथ दिस कोविड टाइम्स, सो इट इज़ रियली गुड टू सी। अभी ये मुंबई का ट्रैफिक इतना मतलब कम, बहुत कम दिखाई देता है एक्चुअली, और मौसम भी देखो कितना मस्त ना है, बाइक उसको बतास्ता ना तो इट इज़ रियली ग्रेट, बहुत कम ट्रैफिक, तो आज बहुत मज़ा आ रहा है। जल्दी पहुँचने वाले हम लोग और पहुँच भी गए फ़ोटोज़ डाले हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़े फ़ोटोज़ निकाले हुए हैं, ये हमें इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाला हो। अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना। अरे भाई तू मास्क पहन, मास्क पहन, मास्क पहन, पहले लिफ्ट में आ चुके हैं लेकिन फिर भी मास्क पहन। और ऑटो रिक्शा में पड़ा था ना हमने, क्या यार तू भी मास्क पहन, तो पड़ा हुआ था इतना। तो हम लोग एंट्री कर चुके हैं और ये वेट कर रही है कि कब खाना आने वाला है शी इज़ वेरी एक्साइटेड एक्चुअली, देखते हैं अभी क्या होता है। तो हम लोग का स्टार्टर अभी स्टार्ट हो चुका है, और एक्चुअली आपको मैं थोड़ा सा ब्लैक दिखूंगा क्योंकि ऊपर से लाइट है तो फेस पे पूरा अंधेरा आ रहा है, लेकिन ठीक है हम काले हुए तो क्या हुआ, हम खादा ढे एक्चुअली बहुत लाइट इफेक्ट बहुत अलग सा आ रहा है इसमें। एक्चुअली मैंने एक कैमरा वहाँ पे सेट कर दिया था मतलब, और मैं तो हम लोग तो खाने में ही व्यस्त थे तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ये पूरा शूट होने के बाद ही दिखा है, एक इफेक्ट मार के देखा हो लेकिन बहुत काला दिख रहा उसमें, लेकिन ठीक है काला तो काला उसमें क्या। और ये कुछ मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो इनके इसमें इंक्लूड नहीं रहते, तो वो बाद में पता चला हम लोग को। तो फाइनली हम लोग का अभी स्टार्टर हो चुका है पूरा खा के, पेट तो वैसे भी एक्चुअली मेरा तो फुल हुआ है, आई डोंट नो अबाउट साइली बट मेरा तो फुल हुआ है। और हम लोग अभी जाने वाला है मेन कोर्स देखने के लिए, तो चलिए ये है मेन कोर्स। मेन कोर्स में बहुत सारे आइटम्स हैं यहाँ पे। अभी एक्चुअली मैं वो फूड व्लॉगिंग फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो आइडिया नहीं है, बहुत ही बकवास तरीके से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है देख सकते हो आप लोग, बट नेक्स्ट टाइम आई विल मतलब ध्यान में रखूँगा कि मतलब जूम आउट करके थोड़ा सा कुछ ट्राई मारूँगा। ये देखिए ये पनीर, वेज में एक ही भाजी है पनीर मतलब मुझे जो पसंद है, बाकी तो कुछ नहीं है। ये मशरूम वगैरह है, ये क्या यार दाल है, खत्ता। अब भी अपने आइटम आ गया भाई, चिकन बिरयानी,
ये होता है खाना, ये क्या है? चिकन है, चिकन चिकन नहीं, आई मटन है शायद। हाँ ये चिकन है। अभी ये देखिए इतने सारे हैं, ये क्या कर रही है यहाँ पे? सलाड ले रही है शायद से। हाँ सलाड ले रही है, हंसी तो देखो क्या खा रही है ये। हाँ ले ले, वेज वेज के लिए इन्होंने ये येलो या कौन सा कलर ये वाली प्लेट रखी है, और नॉन वेजिटेरियन पब्लिक के लिए ये वाली रखी है प्लेट जिसपे ये चम्मच दिख रहे हैं। तो दे आर गोइंग टू आइडेंटिफाइड ऑन द कलर ऑफ प्लेट्स। ये क्या ले रही है यहाँ पे? हाँ तो गाइस आप देख सकते हो ये क्या ले रही है, राइस अचार। यहाँ पे अचार खाने के लिए इधर ये देखो, ये इनका ओपन किचन है और सही लग रहा है। कड़ी, अचार और ये है सलाड। अब क्या लेने जा रही है भाई, ये क्या ले रही है? क्या है, क्या है, क्या है? टोमेटो सूप। ओके ले 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 ले, दो डाल दे, डाल दे और एक और एक और एक और एक। ओके फाइन। तो ये देखो इसको, ये खा कर इसको बोर हो रहा है। अभी फाइनली हम लोग आ चुके हैं डेजर्ट टाइम। इट इट्स अमेजिंग टू सी व्हाट इन द डेजर्ट्स। वाह माय फेवरेट, मुझे खाने में खाली डेजर्ट ही पसंद है और चिकन बस। क्या मस्त लग रहा है यार ये। फटाफट फटाफट हर एक ले ले, हर एक चीज़ ले ले तू, हर एक उठा 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 उठा। ठीक है बर्फी है क्या? उठा उठा, तू मेरा प्लेट पहले लेते। हाँ मेरा ही ले ले। अरे ले ले ले, हाँ वो भी ले। अच्छा अरे ले, क्या कर रही है? ये देखो माय डिश ऑफ हैप्पीनेस इज रेडी, एंड इसका हैप्पीनेस देखो अभी। और ये मैंने बूमरैंग निकल के भी इसमें ही डाला हुआ है, तो आई डोंट नो ये कैसा लगेगा। और अभी हम लोग रिटर्न निकल चुके हैं। एक्चुअली बारिश, हमें लगा नहीं था कि बारिश होने वाली थी, बट हो गई अभी। क्या है गाइज, अभी भी मैं आया हूँ और रिव्यू देने का टाइम भी नहीं मिला क्योंकि हम लोग को बीच में ही बारिश लग गई और फिर ओला करनी पड़ी बीच से ही, और वो जाने दो। लेकिन अभी मैं रिव्यू देना स्टार्ट कर दो। एक्चुअली रिव्यू इज़ लाइक क्वाइट डिसअपॉइंटेड बिकॉज मैं लास्ट 2 टाइम्स वहाँ पे जा चुका हूँ कारवान मीनू में, लेकिन वो टाइम पे मुझे मतलब क्वालिटी अच्छी लगी थी, बेटर लगी थी। लेकिन अभी ये टाइम पे थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। मे बी कोविड की वजह से अभी अभी रेस्टोरेंट स्टार्ट हुए तो उसके वजह से हो सकता है। सर्विस भी थोड़ी मतलब यही लग रही थी क्योंकि सर्वेंट्स वगैरह कम थे शायद से, आई डोंट नो, बट लग रहा था थोड़ा सा कुछ कमी लग रही थी। इवन साइली इज ऑल्सो डिसअपॉइंटेड, शी सेड दैट बिकॉज शी इज कम फॉर द फर्स्ट टाइम, सो इट इज़ अनफॉर्चुनेट फॉर हर। वो फर्स्ट टाइम ही आई थी वहाँ पे, और वहाँ पे मतलब अभी उसको भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, तो वो अभी रिव्यू देने के लिए भी नहीं आ रही है, मुझे नहीं दे रहा है। तो बोला ठीक है भाई तू सो जा, अभी मैं ही बात करता हूँ। तो पहले तो स्टार्टर जो था स्टार्टर अच्छा था, बट मतलब जो मेन कोर्स था वो, और बाद में जो डेजर्ट लिए, डेजर्ट की टेस्ट आई डोंट थिंक इट इज़ लाइक अ फ्रेश डेजर्ट जो होता है वैसे नहीं थी, तो वहाँ पे बहुत सारी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। बाकी तो ठीक ही था,
but the dessert was the main disappointing फैक्टर दैट आई हैव नोटिस्ड एंड क्या बोलते हैं उसको, आज मैंने जो मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है वहाँ का, बट ये टाइम पे नॉट नॉट अप टू पॉइंट, आई एम सॉरी बट दिस इज रियलिटी एंड वी आर रियल। सो जो लगा वो बता दिया मैंने आपको, आपको विजिट करनी है तो कर सकते हो, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में शायद से वो अच्छा हो जाए लास्ट टाइम जैसा, क्योंकि अभी शायद से अभी अभी रेस्टोरेंट खुला है, शायद आज ही खुला था, तो उसके वजह से हो सकता है कि आई डोंट नो, अभी मैं उसको क्या बोलता हूँ सारवा सर भी नहीं करूँगा, लेकिन जो है वो है। तो गाइस लेट्स स्टॉप दिस हियर एंड विल सी यू सीन इन द नेक्स्ट ब्लॉग।